प्रेज दो लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और महिमामय दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। तो आइए हम प्रभु के दिए हुए इस महिमामय दिन में प्रभु के वचनों का ध्यान करते हुए कुछ देर प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जब आप हर दिन के पहला समय में प्रभु के वचनों का ध्यान करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उस दिन को आपके लिए आशीषमय दिन में बदल देगा और उस दिन के साथ उस दिन के रात्रि को भी आपके जीवन में जोड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रभु के दिए हुए इस सुनहरा अवसर को यूं ही न जाने देंगे, बल्कि प्रभु के दिए हुए इस सुनहरा अवसर में प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हुए प्रभु से बातें करेंगे, यानी कि प्रार्थना विनती करेंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रभु ने पूरे रात हम सबों को संभाला, हम सबों को अच्छी मीठी नींद दिया, सुकून भरी नींद दिया, सुख की नींद दिया और इस आनंद में अद्भुत आशीषमय दिन में हम सबों को जगाया, हम सबों को लेकर आया। तो आइए हम प्रभु के दिए हुए इस आनंदमय अद्भुत आशीषमय दिन में प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हुए कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे, यानी कि प्रभु से प्रार्थना और विनती करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। हालेलुया, फिर इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे और जो स्वर्ग के पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान खुदा है, उस खुदा से प्रार्थना, विनती, दुआ और याचना करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए इस सुंदर सुबह के वक्त में हम जो वचन देखने जा रहे हैं, वो वचन उन लोगों के लिए हैं जो सुबह को प्रार्थना करते हैं पर शाम को नहीं करते, या शाम को प्रार्थना करते हैं पर सुबह को नहीं करते। हालेलुया, ये वचन उन्हीं लोगों के लिए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, अर्थात सुबह को प्रार्थना करते हैं शाम को नहीं करते, या शाम को प्रार्थना करते हैं सुबह को नहीं करते, तो ये वचन आपके लिए भी है। ध्यान से सुनिए, सभोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के उसका 6 वचन क्या कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोके, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल होगा, या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है। हालेलुया, इस सुंदर सुबह के वक्त में परमेश्वर का जीवित वचन क्या बोलता है। वो बोलता है कि शाम सुबह दोनों टाइम परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला, परमेश्वर के पांव पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आ, क्योंकि तू नहीं जानता कि सुबह वाला प्रार्थना सफल होगा कि शाम वाला प्रार्थना सफल होगा कि दोनों के दोनों सफल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि सुबह वाला प्रार्थना हमारी सफल होगा कि शाम वाला हमारी प्रार्थना सफल होगा या दोनों के दोनों सफल होगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमें शाम सुबह दोनों टाइम परमेश्वर के आगे अपने हाथों को फैलाना है, उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आइए हम कुछ देर परमेश्वर से बातें करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करें। हालेलुया, मेरे प्रियो, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम प्रार्थना कीजिए। या मैं नहीं बल्कि
परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है। हालेलुया, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोके, शाम को भी अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, भोर वाला प्रार्थना सफल होगा कि शाम वाला प्रार्थना सफल होगा कि दोनों के दोनों सफल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि हमारी प्रार्थना कौन सफल होगा, सुबह वाला कि शाम वाला कि दोनों के दोनों। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचनों पर चलना है। प्रभु का वचन कहता है कि दोनों टाइम प्रभु से प्रार्थना कर, तो हमें दोनों टाइम प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आपको जितना समय मिलता है उतना ही समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, लेकिन दोनों टाइम कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि आपके प्रार्थना का उत्तर मिले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना में चले और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग के पिता, स्वर्ग का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सृजनहार, तारनहार, पालनहार खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। दुनिया के नूर खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपके दिए हुए इस सुनहरा अवसर में, इस पावन बेरा में आपके हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं प्रभु, और आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपनी अनुग्रह से, दया से, कृपा से, प्रभुता से, करुणा से भर दीजिए। आप अपनी पहला प्रेम से, पाक रूह से, आत्मा साम्रस से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए। प्रभु तेरा जीवित वचन बोलता है कि शाम सुबह दोनों टाइम प्रभु के हजूरी में बैठ, प्रभु से बातें कर, प्रभु के वचनों का ध्यान कर और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर। तो होने दे प्रभु, प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, जिनका मन वचन में नहीं लगता। प्रभु जी, तू उनके ऊपर अनुग्रह कर और उनको प्रार्थना करने की, वचनों को पढ़ने की आत्मा दे खुदा, ताकि उनका मन प्रार्थना में और वचन में लग सके। प्रभु जी अनुग्रह कर जिनको प्रभु जी समय नहीं मिलता है प्रभु प्रार्थना करने के लिए, तेरे वचनों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु तू उनके ऊपर भी अनुग्रह कर खुदा, ताकि वो लोग भी तुझे से प्रार्थना कर सके, तेरे वचनों को पढ़ सके, सुन सके और तेरे ओर से बहुतायत की आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, प्रभु के हजूरी में उपस्थिति में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप जितना ज़्यादा प्रभु के हजूरी में अपने वक्त को, अपने समय को, टाइम को बिताएंगे, उससे कई गुना बढ़कर प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने कीमती समय, कुछ समय प्रभु को देंगे तो प्रभु आपके ऊपर अपनी अनुग्रह सदा बनाए रखेगा, आपका देखभाल करेगा, आपका रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया, आपका अगुवाई करेगा, आपका मुहैया करेगा
आपको अपने आंखों की पुतली की नहीं सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु जी आज के सुबह में आपका पाठ जो होते हैं अपनी अनुग्रह से प्रभु, अपनी दया से, करुणा से हमें तृप्त कीजिए प्रभु, अपनी असीम शांति दीजिए प्रभु, हर एक प्रकार के खतरों से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचा करके रखिए, दुष्ट करुण मनुष्यों से प्रभु, दुष्ट शैतान से, बुरी नज़रों से, गलत संगति, गलत आदत से, गलत सोच समझ बुद्धि ज्ञान से बचा करके रखिए प्रभु जी, आपकी स्तुति और तंत्र मंत्र की शक्तियों से, जादू टोना से प्रभु जी बचा करके रखिए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कीजिए, अपने पनाह में रखिए, अपने छत्र छाया में हमें पालिए और बढ़ाइए प्रभु। प्रभु अनुग्रह करो, जितने जन प्रभु, जितने मसीह भाई बहन, चाहे उपाय, चाहे नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं स्वर्ग के पिता, प्रभु उन सबों के ऊपर अपनी अनुग्रह दया कृपा प्रभु तो अपना बलवान हाथ बनाए रखो, अपनी पैर उनके सर पर बनाए रख प्रभु जी, उन सबों को संभाल, अपने आंखों की पुतली की नहीं सुरक्षित रख, स्वस्थ रखो, तो धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार के रोग बीमारी से, दुष्ट शैतान से प्रभु जी तू छुटकारा दे, कर्ज महाजन लोन से छुटकारा दे, इस नए दिन में प्रभु तू नई नई आशीषें दे, नई नई उमंग दे, टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ दे खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, चमत्कार कर खुदा, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा, उत्तम आशीषें एक एक मसीह भाई बहन के जीवन में दे खुदा, स्वर्गीय आशीषों से प्रभु सबों को तृप्त कर खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु, प्रार्थना करने की, वचनों को पढ़ने की आत्मा दे प्रभु जी, हर एक अच्छे भले काम में वचन में तू दृढ़ बना, हर एक मसीह भाई बहन के हृदय को छू ले प्रभु जी और दृढ़ कर खुदा, धन्यवाद करते आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते कि आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी और उत्तर हाँ आमीन में दिए प्रभु, धन्यवाद करते। इस वक्त प्रभु जितने लोग दुख दर्द पीड़ा में है प्रभु जी, किसी परेशानी मुसीबत में है, समस्या में है प्रभु, प्रभु जी उनकी सुधि ले स्वर्ग पिता, गरीबी में, घड्डी में है स्वर्ग पिता, उनकी सुधि ले प्रभु और पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाले कर प्रभु, उनको आशीषों से भर दे, उनके हरेक कम्युनिटी को पूरा करते, धन्यवाद खुदा, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 और